फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारे सेकंड चैनल पर मैंने फ्री एडॉप्शन की वीडियो पोस्ट कर दी है। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो फटाफट इस वीडियो को जरूर देखें। तो लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मंजीत एंड वेलकम टू माय स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक्सपेंसिव और रेयर डॉग ब्रीड के बारे में, जो है ब्रिटिश बुलडॉग। सो गाइस, ब्रिटिश बुलडॉग आप लोगों को बहुत ही कम लोगों के पास देखने को मिलेगी और इसका रीजन ये है कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिली इन्हें परचेज नहीं कर सकती। वैसे कुछ लोग इन्हें ब्रिटिश बुलडॉग के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इंग्लिश बुलडॉग के नाम से। ये स्मॉल टू मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है, जो कि अपार्टमेंट और चाइल्ड फ्रेंडली होते हैं। बाकी गाइस, पपीज की क्वालिटी आप लोग देख ही रहे हैं, पपीज एक्सीलेंट क्वालिटी में है, तो इनकी क्वालिटी को लेकर आप लोगों को कोई सिंगल कंप्लेंट भी नहीं आएगी। वैसे गाइस, ये पपीज नॉन केसीआई हैं, बट अगर आप लोग चाहो तो इन्हें आरकेसीआई रॉयल कैनिन क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वैसे गाइस, ब्रिटिश बुलडॉग ज्यादा हाई एनर्जी लेवल के डॉग्स नहीं होते। इन्हें ज्यादातर अपने घर में रहना, बच्चों के साथ खेलना या सोना ज्यादा पसंद होता है। इंग्लिश बुलडॉग छोटे बच्चों के साथ बहुत ही जेंटल एंड केयरिंग होते हैं, और अगर इन्हें लगे कि इनकी फैमिली या इन्हें किसी स्ट्रेंजर या किसी बड़े डॉग से खतरा है तो ये उनके ऊपर बेझिझक अटैक कर देते हैं। वैसे गाइस, पपीज तो शानदार क्वालिटी में है ही, साथ में आप लोग इनकी मदर को भी देख सकते हैं, जो कि अल्टीमेट क्वालिटी में है। तो अगर आप लोगों को एक प्योर एंड हाई क्वालिटी का ब्रिटिश बुलडॉग चाहिए तो आप लोग इन पपीज के लिए जा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इनमें आप लोगों को मेल एंड फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे। वेल गाइस, इन पपीज के बारे में और बातें करने से पहले, ये है हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है सैदिक कुरेशी, सेकंड है ही गेमिंग्स एंड थर्ड है संतोष गुप्ता। सो गाइस, इंग्लिश बुलडॉग बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं, जिन्हें आप लोग स्मॉल टू मीडियम साइज के घरों में भी आसानी से रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ब्रिटिश बुलडॉग को परचेज करते हैं तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग इन्हें डेली बाहर लेके जाएं और इनके साथ खेलें, इन्हें एक्सरसाइज कराएं, ताकि फिट रह सके। बिकॉज मैंने कुछ एडल्ट ब्रिटिश बुलडॉग ऐसे देखे जो बहुत ही लेजी हो जाते हैं, उन्हें बाहर घूमना या एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो जब आप लोग इन्हें वॉक पर लेके जाएं तो इन्हें दूसरे ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स के साथ भी जरूर सोशलाइज करें, ताकि उनके साथ भी फ्रेंडली तरीके से रह सके। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फैक्ट्स ब्रिटिश बुलडॉग के। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी एज, प्राइस एंड लोकेशन के बारे में। तो फर्स्टली, अगर पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये 28 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। और गाइस, डिलीवरी भी आप लोगों पपीज पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगी एक्स्ट्रा चार्ज पर। तो फ्रेंड्स, कुछ एडवांस पेमेंट करके आप लोग इन पपीज पे डिलीवरी पा सकते हैं, ओनर ट्रस्टेड है। बट मैं आप लोगों को हमेशा की तरह इस बार भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग इतनी एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड को परचेज कर रहे हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट विजिट करके ही इन्हें परचेज करना चाहिए। और अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स हैं तो वो सब भी आप लोग डॉग ओनर से मिलकर क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली बात करते हैं इन पपीज के प्राइस के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, प्राइस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ओनर जो इन पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 70,000 रुपीज, 70,000 रुपए, एंड फीमेल की है 60,000 रुपीज, यानी 60,000 रुपए। बाकी प्राइस नेगोशिएबल है, अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसमें से कितने पैसे कम करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।